हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर खो खो में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उसको कैसे करनी है, आपको जब आप कभी ग्राउंड पर जाते हैं तो स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, वार्म अप कैसे होना है और उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं वो आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। जो घर के आपके आसपास, आपके ग्राउंड के आसपास जो ग्राउंड दिया हुआ है, आपको तकरीबन 15 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करनी है। जब आपकी बॉडी पूरी तरह से हीट हो जाए उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग आपको कौन कौन सी करनी है वो हमको बताने जा रहे हैं। जो हमारी पहली स्ट्रेचिंग है, जो स्ट्रेचिंग करनी है वो आपको शोल्डर के बराबर में पैर रखना है और उस पर हाई नीज की तरह जो वर्कआउट है वो आपको करनी है, लाइक दिस। ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपको आपकी जो लेग्स है फ्रंट पे करनी है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि आपके थाइस पर प्रेस पड़े और प्रेस पड़ने के साथ साथ आपकी जो थाइस की जो स्ट्रेचिंग है वो अच्छी रहे, क्योंकि खो खो में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम जो बैठ कर अप होने का होता है। आप जितनी तेज़ी से अप होंगे उतनी ही तेज़ी से आप अपने अपोनेंट को आउट कर पाएंगे। इसी में हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होती है वो हमारी स्ट्रेचिंग होती है लेग्स की, वो कुछ इस तरह होती है। ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है। इसी में हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होती है वो लेग्स की होती है, बिल्कुल उसमें स्ट्रेच करना होता है। आपको दोनों लेग को एक स्पेस अच्छा खासा खोल लेना है। स्पेस खोलने के बाद आपको दोनों हाथों को सामने रखना है और आपको साइड बाई साइड पे बैठना होता है। ध्यान रखिएगा आपके दोनों जो पैरों के पंजे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर हों या फिर बाहर की तरफ हों। आपको उन दोनों हाथों को आगे ले लेना है, फिर आपको एक साइड पे बैठना है और दूसरे लेग का जो टो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट हो जाएगा। देन स्टार्ट। इसी में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी स्क्वाट। ध्यान रखिएगा स्क्वाट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है खो खो में, क्योंकि स्क्वाट का जो पोर्शन होता है आपके लेग से लेके आपके जो वेस्ट तक का जो पोर्शन होता है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि स्क्वाट वही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो जिम में भी लोग प्रेफर यूज़ करते हैं, क्योंकि थाइस की जो मसल्स होती है वो आपकी स्ट्रांग रहे। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी स्क्वाट लगाते हैं स्क्वाट लगाने वो आगे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, जिस पर कि आपके थाइस पर बिल्कुल भी प्रेस नहीं होता है। तो गाइस आपको ये कोशिश ये करनी है जब भी स्क्वाट आप लगाएं, स्क्वाट लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके जो लेग्स के जो पंजे जो होते हैं उनको शोल्डर के बराबर रखना है। शोल्डर बराबर इसको ऐसे रखना है कि आपको दोनों जो लेग्स जो हैं आपके शोल्डर के बराबर के लेग्स का जो ओपन माउथ है वो ऐसे खोलना है, और उसे खोलने के बाद आपको या दोनों हाथ आप सीधे रख सकते हैं या फिर शोल्डर पे बैंड करके रख सकते हैं। तो जो स्टार्ट करेंगे तो पहले ध्यान से देख लीजिए कि आप दोनों हाथों को कंधे पर रखना है, फिर आपको हाफ बैंड होना है और बहुत पोर्शन आगे लाना है और बहुत पोर्शन पीछे लेके नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा आपकी जो जो आपका बैक होता है वो आपका बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, जो आपकी जो बैक साइड की जो, ध्यान रखिएगा आपकी जो बैक बोन होती है वो उसको स्ट्रेट रखना है, ऐसा नहीं बहुत आगे करना है बहुत ज़्यादा पीछे कर लेना है। अगर आप आगे भी करते हैं तो इस एक्सरसाइज करने से सर कोई मतलब नहीं बनता है, और आप पीछे कर लेते हैं तो आपको गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी में आप कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पैरों के पंजे होते हैं वो बाहर की तरफ रखते हैं, तो आपको बाहर नहीं करना है, आपको इनसाइड करना है ना कि आउटसाइड। और आउट करने में यही नुकसान होता है कि जब भी आप थाइस की एक्सरसाइज करते हैं तो थाइस पर प्रेस ना जाके वो आपके जो एक्सरसाइज करते हो वो किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो चलिए इसी में देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसी में हमारी जो एडवांस रनिंग जो है जिसको बोलते हैं शटल रेस, वो शटल रेस कैसे की जाती है, आपको क्या करना है, आपको 8 से 9 मीटर की डिस्टेंस ले लेनी है। आपको एक जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेना है कि आप कदम नाप लीजिए कि 9 कदम की डिस्टेंस, एक ए पॉइंट, एक दूसरा बी पॉइंट, फिर आपको उस पर तेज़ी से दौड़कर रनिंग को कंप्लीट करनी है। चलिए जो देखते हैं हमारी जो शटल एक्सरसाइज है वो कैसे होती है।
एक्सरसाइज बताई हुई है, तो आगे आने वाले वीडियो में जो इससे रिलेटेड कई सारी एडवांस एक्सरसाइज हैं वो आपको आगे आने वीडियो में डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि आप उसको कैसे कंटिन्यू करें। तब तक आप ये एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आपको एटलीस्ट कंटिन्यू करिए। ये एक्सरसाइज जो है एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो आने वाले आगे वीडियो जो है, जो एक्सरसाइज हैं जो खोखो में यूज़ होती हैं वो हम आपको वो जल्दी दिखाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई आपका कमेंट है, कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा।